दोस्तों नमस्कार, सभी भाई भाई फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल वैदिक पंचगव्य पर। दोस्तों आज काफी दिनों के बाद आज आपको मैं हीरा दिखा रहा हूँ। ये हमारा एक हीरा बुल है, बहुत ही प्यारा मक्खी चीना, बहुत शानदार हीरा। ये देखिए, ये होता है लाड प्यार। ये इतना जबरदस्त, बहुत बेहतरीन क्वालिटी का ये बुल है। और अगर मैं इसके टेस्टिकल की बात करूँ स्पेशली, तो बहुत जबरदस्त इसके टेस्टिकल हैं। और ये मैं इसके पीछे से इसको कवर कर देता हूँ। ये आप देखिए, बहुत ही जबरदस्त शानदार। ये भी छोटा बच्चा है, अभी तो सिर्फ दो दांत का हुआ है, लेकिन अभी से इसके टेस्टिकल की जो बनावट है वो कहीं ना कहीं हमारे पास जो सुल्तान बुल है उससे मिलती जुलती है। आप देखेंगे बिल्कुल एकदम सेंटर में है। ये जो इसका जो लिगामेंट है ये बिल्कुल एकदम सेंटर में है, किसी तरह का कोई भी डिफेक्ट नहीं है इसके टेस्टिकल में। और जो एक डब्लू शेप होना चाहिए, ये देखिए आप, ये नोटिस कीजिए, ये होना बहुत जरूरी है। अक्सर कुछ बुलों के टेस्टिकल वी शेप में होते हैं, जिस कारण से ये इस तरह से वी शेप में होते हैं, जिस कारण से आने वाले जो दिनों में जब उस बुल की बछड़ियां आएंगी तो उसके जो अडर क्वालिटी है वो उतनी बेहतर नहीं होती। लेकिन जिस बुल के टेस्टिकल अगर ये देखिए अलग अलग हैं, यहाँ से बिल्कुल एकदम डिफरेंट, ये आप देखिए बिल्कुल एकदम अलग अलग हैं, किसी तरह का इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है। और स्पेशली ये हाफ ब्लैक हैं, हाफ पिंक हाफ ब्लैक, ये एक क्वालिटी होती है बुल के अंदर कि आने वाले दिनों में एक तो इसके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो प्रॉपर हो रही है। दूसरी बात ये है कि इसका स्पर्म काउंट ज़्यादा होगा और इसके जो स्पर्म होंगे वो एक्टिव होंगे। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, और ज़्यादा स्पर्म बनेगा जिस कारण से इसकी जो प्रेगनेंसी की जो एक कंसीव रेशो है वो ज़्यादा रहेगी। जितना बड़े टेस्टिकल होंगे उसकी बछड़ियाँ का जो अडर है वो उतना ही बड़ा होता है, ज़्यादा दुधारू होती हैं। उसके अलावा उसमें दूध देने की क्षमता भी ज़्यादा होती है, शांत ब्रीड है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा हीरा बुल है। ये देखिए किस बिल्कुल एकदम, हालांकि इसको अभी नहलाया नहीं गया है, लेकिन फिर भी मैं इसको देखिए, ये देखिए इसके दूर से टेस्टिकल देखिए, बहुत बेहतरीन क्वालिटी के। ये जो टेस्टिकल है ना, इस तरह की शेप में होने चाहिए। जब भी आप बुल परचेज करें तो हमेशा ये चीज जरूर नोटिस कर लें कि उसके जो टेस्टिकल है वो काफी बड़े साइज के होने चाहिए, जिससे उसके जो टेस्टिकल में स्पर्म है वो ज्यादा बने। और ये देखिए, मैं इसको साइड से जरूर कवर करूंगा, साइड से बिल्कुल एकदम पीछे की तरफ है। ये देखिए, ये यूं शेप में ये यूं घूमे हुए हैं, बिल्कुल एकदम बढ़िया हैं। और इसके जो टीट्स हैं, रूडीमेंट्री टीट्स, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल दो हैं, कोई तीसरा थन नहीं है, ये रूडीमेंट्री टीट्स हैं, ये बहुत ही शानदार। और इसका जो कलर है बहुत शानदार है। ये हमारा हीरा बुल है, इसका नाम हीरा रखा हुआ है हमने, बहुत ही जबरदस्त तरीके का बुल है। और आने वाले दिनों में हम इसके भी आपके लिए सीमेंट स्ट्रॉ अवेलेबल कराएंगे, क्योंकि ये जो ब्लड लाइन है मक्खी चीना की, ये रंग खत्म होता जा रहा है। ये देखिए, ये बुल जो है ना, ये हमारे से बहुत प्यार करता है। ये देखिए हीरा, आजा, ये देखिए बहुत सी, बस बेटे बस, भी लाड प्यार का नतीजा होता है अपना। अगर आप किसी भी गौवंश से अत्यधिक प्रेम करेंगे तो वो भी अपना प्रेम दर्शाता है। और जितनी ज्यादा शांत ब्रीड होती है वो उतनी ही दुधारू होती है, उतनी ही मिल्क लाइन की ब्रीड होती है, क्योंकि जो चिड़चिड़ा स्वभाव है वो कहीं ना कहीं मिक्सिंग का एक नतीजा है। कुछ ब्रीड का मिक्स अगर होने की वजह से उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। तो कोशिश करें हमेशा प्योर ब्रीड रखें, और आप अपने फार्म पे अपने बच्चों से भी ज्यादा स्नेह दें, प्यार दें इन ब्रीड को। ये देखिए ये हमारा रुस्ता, वही देखो, ये खा रहा था, देखिए अभी आ गया, बस बैठे, बस 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 बस, ये देखिए अभी मेरे पीछे पीछे पड़ेगा, अब ये कह रहा है भाई बैठे, बस बस बस, ये कह रहा है मेरे को मालिश कर, भाई मैं तो इसकी मालिश करूंगा, मैं तो तेरी मालिश नहीं करता, बदमाश हो गए। ये है हमारा जी रुस्तम बुल, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का रुस्तम। इसका गलकम्बल देखिए, बहुत ही एकदम जबरदस्त है। रुस्तम आजा,
एक ये देखिए रुस्तम आजा। दोस्तों ये जो रुस्तम बुल है इसके बारे में बता देता हूँ, इसका जो गलकम्बल है बहुत ज्यादा जबरदस्त हैवी गलकम्बल है, बड़ा गलकम्बल है, टेस्टिकल भी इसके बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा जबरदस्त। और इसके टेस्टिकल में भी ये देखिए ये डब्लू शेप बना हुआ है, दोनों टेस्टिकल बिल्कुल अलग अलग हैं, जो कि ये होने जरूरी हैं। और उसके रूडिमेंटरी टिट्स भी बहुत जबरदस्त हैं, कलर बहुत बढ़िया है इसका, शानदार कलर है। हालांकि अभी ये काफी अभी इसकी तैयारी होनी बाकी है, आने वाले दिनों में अपने रुस्तम बुल और हीरा बुल इन दोनों बुलों की कम सीमेंट स्ट्रो अवेलेबल कराएंगे। सभी जितने भी गोपाल भाई हैं जो साहिवाल पे काम कर रहे हैं, मक्खी जीना, ये बेसिकली पाकिस्तान में ये कलर मिलता है, चोलिस्तानी जिसको बोलते हैं, हमारे पास में ये वो ब्रीड है। हिंदुस्तान में इसको जैसे राठी बोलते हैं, बहुत सारे भाइयों के पास में इस तरह के की गायें गांव में मिल जाएंगी और अच्छी सुंदर दिखती हैं ये, मेरे को बहुत अच्छा पसंद है ये कलर। तो ये आप देखिए भाई, ये प्यार है, लाड प्यार है, किस तरीके से हमारे दो रतन हैं, ये लाड प्यार इतना ज्यादा करते हैं मेरे से, स्पेशली कि जब भी मैं आता हूँ और इन पे हाथ घुमाता हूँ तो मेरे को बड़ा आनंद महसूस होता है। अगर आप बुल का सिलेक्शन कर रहे हैं ना तो टेस्टिकल जरूर देखिए, बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत वीक हो उसको तंदुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन अगर टेस्टिकल अच्छे नहीं है, जीन अच्छे नहीं है, उसको नहीं सुधारा जा सकता। तो मेरे भाइयों ये हमारी छोटी सी कोशिश है, छोटा सा प्रयास है कि हम अपने बेहतरीन क्वालिटी के बुलों को, इनके जो जीन हैं, जीन जिनका जर्म प्लाज्मा है, उसको हम आगे लेके आए और आप सब भाइयों के लिए हम अवेलेबल कराएंगे आने वाले दिनों में। ये मक्खी चीना जो कि अभी कलर लुप्त होता जा रहा है, ये मानता नहीं है, ये कह रहा है ये बस अभी, ये देखो ये मालिश कराने के लिए इतना उतावला होता रहता है कि बस भाई मेरी मालिश कर, इनमें कंपटीशन की भावना हो जाती है कि भाई मेरे, ये मेरा मालिक मेरे लिए लाड़ प्यार करे, बस दूसरे बुल को हाथ ना लगाए। या आप देख सकते हैं हमारा फार्म काफी खुला है और अभी इसमें पार्टीशन होना बाकी है, काफी इसमें अभी तो बहुत ही ज्यादा विकास होना है इसमें धीरे धीरे, जैसे जैसे हमारे पास में गोवंश बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे समय टाइम टू टाइम हम इस पे पार्टीशन करेंगे इसकी, तो ये सेपरेशन होना जरूरी है। अभी तो हमारे पास में राठी और साहिवाल दोनों मिक्स हैं, तो इसलिए हम इसको, हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको अलग अलग करें। राधा, ये एक हमारी राधा बछड़ी है, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए देखो कहाँ आ गया ये बदमाश है, देखो ये बदमाश, देखो ये वहां से चल के आया है, ये देखिए ये है भाई, बहुत बदमाश बोला ये, पहचान छोड़ता। ये अभी हमारे पास में यहाँ पे एक शीशम लगी हुई थी, तो शीशम हमने काट के और हमारे पास में कुछ इसकी जो टहनियाँ जो हमारे लिए एक वेस्ट थी, हमने इनको डाल दिया है ताकि अभी खाएंगे। शीशम के पत्ते भी खाने बहुत जरूरी होते हैं, उसमें भी काफी मिनरल्स होते हैं। तो सभी उन सभी भाइयों को एक बार फिर से धन्यवाद, लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ में और मैं अच्छी अच्छी ब्रीड आपके सामने पेश करूंगा। जय गौ माता।